फोन में रस ज्यादा होता होगा ना, यहाँ बहुत सारी हनी बीज आई है, देखिए हर फूल में बैठी हैं, बहुत हैं, बहुत उड़ती हुई दिख रही होंगी आपको ये। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कॉटेज वगैरह, बड़ी प्यारी सी लोकेशन है यहाँ पर। छुट्टियाँ बितानी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, जिसके अपने हैं वेरी गुड, और जो वैसे आना चाहता है तो भी वेरी गुड, यहाँ पे सुविधा है। अच्छा वन रूम होगा ना? हाँ खाली वन रूम। वाह मैं खींच लूँ फोटो, पार्टी में हटा लो फोटो खा लूँ तुम्हारी। ये पूरी लकड़ियाँ है ना? हाँ पूरी लकड़ी। ये देखिए पूरा वुड, तो हट टाइप का सिस्टम है ये। ये वॉशरूम, सामने ड्रेसिंग, नीचे भी वुड है ना? ये देखिए बड़ा प्यारा सा पोर्शन दिया है, और यहाँ पर कवर्ड वगैरह भी दे रखे सामान वामान रखने के लिए। ये और ये हैंगिंग पूरी लकड़ी में बनाया, और ये देखिए ईंट, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ तो। बाकी ठंडियों में गर्म पानी करने के लिए सिस्टम, और देखिए लाइट, एक डबल बेड, दो चेयर टेबल, तो बहुत सुंदर हुई विंडो, सामने डोर। चलिए वॉशरूम देखते हैं। ये देखिए तो बड़ा अच्छा सा वॉशरूम भी, बहुत प्यारा है ये। वाह बहुत ही अच्छा, यहाँ फाइबर सीट है शायद, हाँ वॉशरूम की वजह से। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, सामने दरवाजे खुलते हैं, व्यू एक चेयर पर। आप ही देखते होंगे ना क्या है चार्जेस वगैरह, मतलब वन नाइट का 7,000, तो उसमें खाना पीना लंच वगैरह डिनर अलग अलग प्लान होते हैं, सीपी। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा है, एक फैमिली आराम से मतलब स्टे कर सकती है ना। तो तीन है देखिए, 1, 2 and 3, तो जैसा कि सर ने बताया कि 7,000 है यहाँ पे वन नाइट का, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी है, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं, बिल्कुल घर का जैसा माहौल, और बहुत ही प्यारा व्यू। आ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और देखिए हर 2 मिनट में मौसम चेंज, अभी आपने धूप देखी थी, अभी फिर से फॉग उड़ के आ रही है, सीधे फेस पे लग रही है। तो ये बहुत सुंदर से होम स्टे हैं, तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत प्यारा। ये देखिए जस्ट एक सेकेंड बाद धूप, इधर फॉग और इधर धूप, सामने वैसे देखो सामने मेरी शेडो आ रही है देखिए, और मेरी शेडो के चारों तरफ से एक इंद्रधनुष सा बन रहा है, दिख रहा है वहाँ पे? वही मैं कह रही हूँ, मेरी शेडो के जैसे मुझे लग रहा है वहां से सन की जो लाइट पड़ रही है ना, उससे वो किरणें रोशनी दे रही हैं, पता नहीं इसमें चमक रहा है। हाँ इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना पीछे से, जब कोई इस देवता दिखाते हैं, वैसे तो हमने टीवी में देखा है, तो ऐसा ही बनता है। देखिए मेरी शैडो के पास एकदम से वो सीन, वाह। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सब कुछ, जो हमारी प्रकृति की देन देखिए ना, अद्भुत चीज़ें, वाह। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
तो देखिए नीचे मैंने आपको होम स्टे वगैरह दिखाया, अब हम देखेंगे मड हाउस। तो मड हाउस भी देख लेते हैं, यानी कि मिट्टी वाले घर, अगर कोई इसमें रहना भी पसंद करते हैं। ये देखिए पहले ऐसे लालटेन हुआ करते थे, अब देखिए सिस्टम इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, तो ऑन करेंगे तो ये लालटेन की जैसा बल्ब जलेगा। ये बंद हो अच्छा, यहाँ पर लॉक उन्होंने भैया ने लॉक करा है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। मडाउस बनाया कैसे गया पहले ये देखो। हाँ लकड़ी है ना, जैसे लकड़ी है और लकड़ी के बाहर से इसमें पूरा मिट्टी से मिट्टी का लिपाई वगैरह लिपाई कर रखी है, जैसे हम लोगों के कुमाऊं में घर होते हैं। इसमें एक डबल बेड है और इसे टॉयलेट बाथरूम है, इसी में वॉशरूम वगैरह। तो देखिए अगर कोई मड हाउस में रहने का इच्छुक है तो वो भी रह सकता है। मैं तो उस वक्त आ नहीं पाई थी, तो श्रीमान जी जैसे बता रहे हैं जैसे अंदर होम स्टे में है, ऐसी मड हाउस, ये भी होम स्टे ही है लेकिन ये मड हाउस है, मिट्टी का घर, तो इसमें भी रह सकते हैं आप लोग यहाँ आके। इसके अंदर डबल बेड वगैरह भी है और वॉशरूम वगैरह भी सब अटैच है, तो ऐसा है। देखिए मतलब दरवाजे इस तरफ को खुले तो भी वही सुंदर से नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी आप उधर रहते हैं वहाँ भी वही है सिस्टम, मतलब दरवाजे खोलते ही आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। तो बाकी बहुत देर हो चुकी है, तो मैं जितना आपको दिखा सकती थी दिखाने की कोशिश करी है मैंने, बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा यहाँ के होम स्टे वगैरह, बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर। तो देखिए इतने प्यारे से होम स्टे के दर्शन भी हो गए भाई आज, और आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया घर आने के इच्छुक है तो आइए। और ये वही मैंने दिखाया था कोई मांचली से, यहाँ पर रहकर आप सब चीज़ का आनंद ले सकते हैं। बाकी देखिए हम लोग हैं गणमाना गांव में, जो कि मनाघेर के पास है, तो मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि मतलब जो भी है पहले बच्चे अपना गांव घर छोड़ के शहरों की तरफ भागते थे, अब बच्चे अपने घरों में रुकने लगे हैं और संभालने लगे हैं अपने घर को। देखिए ऐसे गार्डन्स वगैरह बना रहे हैं, ऐसे होम स्टे वगैरह बना रहे हैं, और वो मड हाउस भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है अब, और होना भी चाहिए। देखिए अपनी भूमि से जुड़े रहें और ऐसी तरक्की करें, बहुत अच्छा बढ़िया है, तो ऐसे ही रोज़गार मिलता रहेगा तो अच्छा है। देखिए वरना पहाड़ों में क्या है, आपने देखा है कितनी कठिनाइयों का जीवन है, इतना लगे रहते हैं, इतने निराई गुड़ाई, इतनी साग सब्जियाँ, देखिए सब कितनी मेहनत करता है किसान, लेकिन मेहनत ऐसी हो जिससे फल मिले, तो मेहनत करने में भी आनंद है। अब यही देखिए एक पेड़ 1000 रुपये का तो एक पेड़ है, ये हिमाचली सेब का पेड़, और देखिए पहली फसल इसमें आई थी और पूरा जैसे मैंने बताया कि ओले गिरने की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई, तो ऐसा ही है अब। लेकिन इन चीज़ों से काफ़ी अच्छा हो गया है कि होम स्टे वगैरह की सुविधा हो गई है, और नीचे को भी इस साइड भी काफ़ी तरक्की इस गांव में करी है, और हर गांव ने ऐसे ही तरक्की करनी चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो दड़माने गांव है ये, जैसे दीनी कहा जाता है, मलदीनी तलदीनी, तो बहुत अच्छा है। बाकी आइए आप लोग भी यहाँ पर कभी, तो हम भी चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है हमें आज। इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि हम जाएंगे सीधे हल्द्वानी। तो बताइएगा आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। इससे पहले भी मैंने वीडियोस तो बनाई हैं, पर डिवाइड करके ही मैं डाल रही हूँ वीडियो को, क्योंकि आधे आधे करके डालूँगी तभी सही लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, पहला जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, बाय।